हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एग्जाम के चक्कर पे ब्लॉग नहीं बना पाई, ना ही आप लोगों से मिल पाई। अच्छा, हाँ, आप लोगों ने सही सोचा, मैं वेस्ट बंगाल पे हूँ, अपने घर पे। ठीक है। आज मैं जा रही थी रामघाट को शॉपिंग करने के लिए, और मेरे साथ जा रही थी मेरी माँ, नानी, अम्मी एंड तहमीद। ठीक है समरिया। और अम्मी और तहमीद हमारे साथ शॉपिंग करने नहीं, वो लोग सीढ़ी जा रहे थे तहमीद की नानी की घर। बस स्टॉप पे आते ही उनका बस आ गया और अम्मी दौड़ रही थी तहमीद को लेकर बस पकड़ने के लिए। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। उन लोगों के चले जाने के बाद हम लोग शॉपिंग करने के लिए चले गए। उस दिन मैं जब उड़ीसा से आ रही थी तो मेरा लगेज का जो पहिया है ना, वो टूट गया। क्या बात कर रहे बाबा। इसलिए माँ इस दुकान पे पूछने गई कि वो पहिया ठीक हो पाएगा या नहीं। उन लोगों ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लोग बहुत रेट बोल रहे थे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब में तो मेरा और एक लगेज आ जाएगा। फिर मेरे टोटो वाले ड्राइवर अंकल ने बोला कि वो किसी को जानती है और वो ठीक करवा दे। के बाद हम लोग चले गए कॉस्मो बाजार। और बहुत दिनों के बाद मेरी नानी रामपुर आई थी, वो घर से कभी बाहर नहीं निकलती। फिर मैंने और माँ ने बोला कि आप भी चलिए, आप भी हमारे साथ घूम आएंगे। और मॉल पे आते ही मैं टहलने लगी क्योंकि मेरी पसंद बहुत खराब है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। इसलिए हमेशा मेरी माँ ही पसंद करती है मेरे लिए सबको। पूरे घर में मेरी माँ की पसंद सबसे अच्छी है। और हाँ, मैं भूल गई थी, मैंने आज साड़ी पहना है। मेरी माँ ने बहुत जिद किया कि आज साड़ी पहन ले, इसलिए मैंने साड़ी पहना है। और प्लीज कमेंट में बताएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेरे साथ ना मॉल में एक चीज हो गया, मेरा ना इयररिंग गिर गई थी। और इयररिंग तो मिल गई, लेकिन उसका पीछे का जो पैच है ना, वो कहीं नहीं मिला। इसलिए मॉल की दीदी मुझको पीछे का रबर स्टॉप बना के दे रही है। उन्होंने कुछ काट के उन्होंने इतना अच्छा होममेड रबर स्टॉप बना दिया कि वो मैं इयररिंग पहनने के बाद वो गिरी नहीं। फिर मैंने अपने लिए देखना शुरू किया और मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन मैं ट्रायल नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैंने साड़ी पहना था, इसलिए मैंने वहीं पर पहन लिया। लेकिन मम्मी को कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने मुझको मना कर दिया लेने के लिए। हम लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं स्टाइल बाजार, देखते हैं पर कुछ पसंद आते हैं या नहीं। उसके बाद हम लोग चले आए स्टाइल बाजार। स्टाइल बाजार पे आके मेरा वही काम, टहलना पसंद करने के लिए माँ तो है ना। और फिर माँ पसंद कर रही थी और मैं कर रही थी इंतजार। और बहुत देखने के बाद माँ को यह चादर पसंद आया। पेट वाला चादर मेरे लिए देख रही थी, ये चादर बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। अरे ये मॉल पे ज्वेलर इतना महंगा क्यों होता है। फिर माँ देखने लगी बिट्टू के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा था और माँ को उसको कुछ गिफ्ट करना था। स्टाइल बाजार पे कुछ कुछ शॉपिंग करके हम लोग आ गए एम बाजार पे। ये मार्केट में पहली बार आ रही हूँ। एम बाजार पे आकर एक चीज तो नोटिस की मैंने कि यहाँ पर सब कुछ रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा था। फिर एम बाजार से कुछ कुछ सामान खरीद के हम लोग घर चले गए। और घर पे जाके बताऊंगी मैंने क्या क्या खरीदा है। फाइनली मैं घर चले आई हूँ और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, मैंने कुछ खरीदा नहीं। और ये देखो मेरा बेल पहन कर घूम रहा है। और घर पे आके छत पे मैं अपने भाई को चिढ़ा रही थी। ये गंदा है। चलिए आइए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा। ओके। पहले तो ये चादर मेरे लिए, मैं आप लोगों को पहले में दिखा चुकी हूँ। और ये योलो वाला माँ के लिए, ये भी आप लोग देख चुके। और मैंने एक हाइनिक लिया था, ये मेरे लिए है। और उसके साथ ये पैंट। नानी ने बिट्टू के लिए लिया ये वाला टी शर्ट। और माँ ने बिट्टू के लिए लिया ये वाला हुडी, उसको जन्मदिन में गिफ्ट देने के लिए। और बहुत ढूंढने के बाद नानी के लिए स्वेटर, एक गर्मी वाला पैंट और एक चादर लिया। बस इतना ही शॉपिंग किया हम लोगों ने, आज का इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। संडे को मस्त नहा धो के आ।